الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله رب العالمين जो इस कायनात में हम सब का मालिक व मुख्तार है और जिसने हमें और आपको ईमान की अजीम शान दौलत से माला माल फरमाया है और उसी के साथ साथ दुनिया की बेशबहा नेमतें हमें और आपको अता की हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम सब पर उसका बहुत ही बड़ा फजल और एहसान है। हम और आप इसके बदले जितना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाएं, उसकी बुजुर्गी बड़ाई किबरियाई तस्बीह और तहलील बयान करें, वो हमारे और आपके लिए बहुत ही कम है और कम से कमतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार हम्द व सना के बाद इस कायनात में भेजे गए मुख्तलिफ अंबियाए किराम सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कायनात के आखिरी और अंतिम नबी और रसूल इमामुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल्लिल आलमीन सैयदुल अरबी वल अजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
और आपके तमाम आल व सहाब पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो, जिनके वास्ते से अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये प्यारा दीन हम तक और आप तक पहुंचा है। मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद की एक आयत करीमा आप हजरात की खिदमत में तिलावत की गई है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकी और अमल सालेह का फायदा और उसका समरा जिक्र फरमाया है। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस कायनात में ईमान के साथ नेकियां करने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी तक पहुंचने के लिए उन तमाम नेक रास्तों को इख्तियार करने का हुक्म अता फरमाया है जो हमें जन्नत तक ले जाने वाले हैं, जहन्नम से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बचाने वाले। कुरान मजीद में जा बजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान के साथ अमल सालेह का और नेकी का हुक्म अता फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के साथ साथ उन लोगों ने नेक अमल को अंजाम दिया, तो जा बजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को जिनके अंदर ईमान की सिफत पाई जा रही है और ईमान के साथ साथ वो नेकियों की पाबंदी करते हैं, आमाले सालिहा और अच्छे काम करते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बशारतें सुनाई। कभी जन्नत की बशारत दी गई है, कभी गुनाहों के मगफिरत की बशारत दी गई है, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रहमत की बशारत उन लोगों को सुनाई है। तो ये सारी बशारतें जो इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमें और आपको मिली है, वो ईमान की वजह से, ईमानी जिंदगी गुजारने की वजह से और ईमान के साथ साथ अमल सालेह और नेकी के काम को करने की वजह से। आप जानते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ईमान का तज़किरा फरमाया है, वहां ईमान की बहुत सारी शाखों का जिक्र फरमाया। यही शाखें ईमान की नेकियां है। ये ईमान एक बहुत बड़ा मजबूत तनावर दरख्त है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी शाखें रखी हैं, बहुत सारी टहनियां हैं, बहुत सारे फूल है, बहुत सारी पत्तियां हैं। जब तक हम और आप इस दुनिया की जिंदगी के अंदर नेकी के कामों को अंजाम नहीं देंगे और इन शाखों की मजबूती के लिए अमल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ईमान का हमारा और आपका ये दरख्त तनावर नहीं हो सकता है, मजबूत नहीं रह सकता है और इसे ताजगी नहीं मिल सकती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल ईमान बिज़ुन व सबउन शुबा अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमातुल अज़ा अनित तरीक। ईमान की 70 से ज्यादा शाखें, बाज रिवायतों के अंदर 60 का जिक्र है और बाज रिवायतों के अंदर 70 का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ईमान की 60 से ज्यादा शाखें हैं। सबसे बेहतरीन शाख यानी सबसे बड़ी नेकी, सबसे अच्छी नेकी और सबसे आला नेकी ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तौहीद है। अल्लाह को एक मानना है, अल्लाह की तरह तनहा इबादत और बंदगी करना है और इस कायनात में अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक्फ कर देना है, अल्लाह के लिए सजदा करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगना है और वो तमाम उबूदियत के मरासिम जो अल्लाह के लिए खास हैं, जो अल्लाह के लिए खास हैं, वही रोजी देने वाला है, वही औलाद देने वाला है, वही बेटा बेटी देने वाला है, वही इस कायनात में हमारा और आपका मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, हर तरह की परेशानियों से हमें और आपको नजात देने वाला। तो ये सबसे बड़ी नेकी अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमातुल अज़ा अनित तरीक। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे आखिरी दर्जे की नेकी, मामूली नेकी यह है कि आदमी तकलीफ दे चीजों को रास्ते से हटा दे, इंसानियत के काम करे, दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते हुए
समाज के अंदर उन मोहब्बतों को, उन अखलाकी किरदारों को परवान चढ़ाए जिनका हुक्म इस्लाम ने भी दिया है और जो समाज में हमारी और आपकी जरूरत है, हमारी जिंदगी की जरूरत है, हमारे रहन सहन की जरूरत है, समाजी अखलाक मंदी के लिए और हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए जरूरत। तो कहा उसमें मामूली चीज यह है कि आदमी रास्ता चलते हुए अगर कोई ठोकर वाली चीज है, कोई पत्थर है, कोई कांटा है, अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ का सबब बन सकती है, अल्लाह के किसी बंदे के लिए वो अजियत का, वो परेशानी का सबब बन सकती है, तो उसको हटा देना भी, साइड कर देना भी ये नेकी का काम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इन्हीं नेकियों के फवाइद का जिक्र फरमाया कि आप जो नेकी करेंगे, चाहे उसका ताल्लुक आपके अकीदे से हो, चाहे उसका ताल्लुक आपके इबादात से हो, नमाज रोजे से हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से हो, या इसी तरीके से इंसानियत के और अखलाक के काम हो, तो उसका बहुत बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया कि नेकी करने से हमारी और आपकी जिंदगी में आने वाली परेशानियां खत्म कर दी जाती। ये बीमारियों का, परेशानियों का, बलाओं का, मुसीबतों का एक बहुत बड़ा इलाज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दिया कि आप नेकी करें। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां तकवा का जिक्र फरमाया है, तकवा ये नेकी की असल है, उसकी जान है। जिस नेकी में तकवा ना हो, अल्लाह का खौफ ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रोशनी ना हो, ईमान की रोशनी ना हो, इखलास ना हो, वो नेकी अल्लाह से जुड़ करके ना की जाए, जन्नत को सोच करके ना की जाए, तो उस नेकी का हमें और आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह के लिए नेकी करेगा, तकवा इख्तियार करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए परेशानियों से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। जहां जिंदगी में आपकी परेशानी आएगी और आपके सामने कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आएगा कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए, तो वहां आपका ईमान काम आएगा, आपकी जिंदगी की नेकी काम आएगी। कभी ऐसी नेकी आपके काम आ सकती है जो नेकी आपने बहुत पहले की है, बहुत पहले की है, वो अल्लाह के दफ्तर में दर्ज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। इसीलिए आप सही बुखारी की रवायत बार बार सुनते हैं, गार वालों का वाकया, जो गार के अंदर फंस गए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी नेकियों की वजह से उनको उस गार से नजात दे दिया। एक आदमी की नेकी थी कि वो वालदेन की खिदमत करता था, अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ी नेकी। गार में फंसने के बाद अपनी उस नेकी को उसने अल्लाह की बारगाह में पेश किया। नेकियों को हमें और आपको पेश करना चाहिए। कभी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, रोजी की तंगी हो, औलाद के सिलसिले में हमारे और आपके सामने मुश्किलात हो, दुनिया की जिंदगी के मुश्किलात हो, तो हमने जो सजदा किया, हमने जो कुरान पढ़ा है, हमने जो नेकियां की हैं, हमने जो सदका और खैरात किया है और कर रहे हैं, या जो भी हमारी और आपकी छोटी मोटी नेकियां है, उसे हमें और आपको अल्लाह की बारगाह में पेश करना चाहिए। उसने कहा अल्लाह वालदेन की मैं खिदमत करता था, अगर मैं तेरे लिए कर रहा था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुश्किल से निजात दे दे। तो गार का एक हिस्सा खुल गया। दूसरा आदमी जो बुराई के अंदर मुलव्वस होने के करीब था, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से उस बुराई से बच गया, रुक गया। तो जब उस मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हुआ, तो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगने के साथ अपनी उस नेकी का वास्ता दिया। बुराई से बचना भी ये बहुत बड़ी नेकी। आज हमारे यहां ये चीज चल रही कि नेकी कर रहे हैं, यानी कोई अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छाई के साथ साथ बुराई भी हम करते जा रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, अच्छाई करने के साथ साथ बुराइयों को छोड़ना, गलत कामों को छोड़ना, यह भी नेकी है, यह भी नेकी का एक हिस्सा है। उसने गार के अंदर वास्ता दिया, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं उस बुराई से, तेरे खौफ से निकल गया था, रुक गया था, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे खौफ की वजह से मैंने बुराई को छोड़ा था तो इस गार की तकलीफ से बचा ले। तो गार का एक हिस्सा और खुल गया। तीसरा आदमी जो अपने मजदूर के साथ ईमानदारी का मामला करता था, मजदूर था, कुछ मजदूरी छोड़ करके चला गया, कुछ दिनों के बाद लौट करके आया,
अपने सेठ के पास चलते हैं, हो सकता है कि मेरी पुरानी मजदूरी कुछ लौटा दे तो काम आ जाए। जब आया, बड़ा ईमानदार आदमी था, कहा कि मेरी मजदूरी का पैसा लेने के लिए मैं आया हूं। कहा देखो ये जो जितनी बकरियां और गाय नजर आ रही है, जो जानवरों का रेवड़ है, सब तुम्हारा है। तो सही बुखारी की रवायत में है, उस आदमी ने कहा अपने मालिक से, अपने सेठ से, कहा तस्ता से भी मेरा मजाक कर रहे हो, मैं तो 2 रुपए 4 रुपए छोड़ करके गया था और ये तो बहुत बड़ी दौलत। कहा ये तुम्हारे पैसे मजदूरी की छोड़ी हुई दौलत से, उसकी रकम से मैंने खरीदा है, मेरा पैसा इसके अंदर नहीं लगा है। और ईमानदारी का तकाजा ये है कि तुम्हारे पैसे से खरीदा है, तो ये सब तुम्हारा है, ले जाओ। वो बहुत खुश हुआ और सब लेकर के चला गया। तो उस मालिक ने जब गार के अंदर फंसा, तो अपने इस ईमानदाराना किरदार का अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वास्ता पेश किया। कहा अल्लाह अगर तेरी मर्जी की वजह से और तेरी रजामंदी के लिए मैंने ये पैसा लौटाया है, और पूरी ईमानदारी से जो उसकी जमा पूंजी थी वो भी दे दिया है, जो उसका प्रॉफिट था वो भी दे दिया है, जो इन्वेस्ट किया था उससे जो कमाया वो भी दे दिया है, तो अल्लाह इस गार से बचा ले। तो गार का पूरा मुंह खुल गया। तो नेकी ये दुनिया की जिंदगी में बहुत काम आने वाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर जो मैंने तिलावत की है उसी का तस्करा किया, और सिर्फ ये नहीं बयान किया है कि नेकी आपकी जिंदगी को बचाएगी, बल्कि कहा औलाद की हिफाजत का भी जरिया है, कमजोर औलाद की जिंदगी को बचाने का भी जरिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि वल यक्षल्लजीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफन खाफू अलैहिम, कहा कि वो लोग जो अपने पीछे कमजोर औलाद छोड़कर जाने वाले और उन्हें खतरा है, खौफ है कि मेरे जाने के बाद इन बच्चों को कुछ तकलीफ आ सकती है, नुकसान पहुंच सकता, वो किसी परेशानी के शिकार हो सकते हैं। फलयत्तकुल्लाह, तो इन लोगों को चाहिए कि नेकी करें, तकवा की जिंदगी गुजारें, ईमान की जिंदगी गुजारें। वलयकूलू कौलन सदीदा, और सच्ची बात कहें, दुरुस्त बात कहें। ये दोनों चीजें बहुत अहम है हमारी और आपकी ईमानी और समाजी जिंदगी में। ईमानी जिंदगी में तकवा की बहुत अहमियत है कि वो हमें और आपको अल्लाह से जोड़ देता। अगर तकवा बीच में खत्म हो जाए तो हमारा वो काम जो हम और आप ये समझ के कर रहे हैं कि इससे हमें और आपको समाज में सवाब मिलेगा, ये दुनिया का काम हो जाएगा। और अगर उसमें तकवा शामिल हो जाए तो वो अल्लाह के लिए काम हो जाएगा, जन्नत के लिए काम हो जाएगा, अल्लाह की मर्जी तक पहुंचने के लिए काम हो जाएगा। तो ये तकवा कनेक्टिंग का जरिया है, वो हमारे दिल को अल्लाह से जोड़ता है, हमारी इबादतों को अल्लाह से जोड़ता है, हमारे नेक आमाल को अल्लाह से जोड़ता है, हमारे उस सवाब को जिसको हम पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचाता है कि वहां बैलेंस हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमारा अमल काबिल कबूल हो जाए। तो अल्लाह ने कहा फलयत्तकुल्लाह, अगर कमजोर बच्चों का खौफ है कि दुनिया की जिंदगी में उन्हें तकलीफ आएगी, तो मोमिन बंदे को नेकी करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नेकियों की जिंदगी गुजारनी चाहिए। वलयकूलू कौलन सदीदा, और सच्ची बात कहनी चाहिए। समाजी जिंदगी की बुनियाद, समाजी जिंदगी के अंदर जो आदमी सच्चा नहीं है, सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलता है, तो दुनिया के अंदर भी लोगों की निगाह में अगरचे लोग सामने आपको बहुत कुछ समझें, बहुत कुछ आपके बारे में अपनी जुबान से बजाहिर इजहार करें, लेकिन अगर सच्ची बात नहीं है तो आपका कोई एतबार नहीं, हमारा आपका कोई एतबार नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में भी अगर हम और आप सच्चे नहीं हैं अपने दीन के एतबार से, अपने ईमान के एतबार से, अपनी शरीयत के एतबार से, अपने कौलो करार के एतबार से, अपने अहदो मुआहदे के एतबार से, और इस दुनिया की जिंदगी में लोगों के साथ समाजी जिंदगी गुजारते हुए अगर हमारी जुबानें सच्ची नहीं, हमारी बातें सच्ची नहीं है, हम खुद सच्चे नहीं है, तो अल्लाह के यहां भी हमारा और आपका कोई एतबार नहीं। तो ये नेकी है जिसको करने से हमारे औलाद की भी हिफाजत होती है, और सिर्फ औलाद की हिफाजत नहीं होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नेकियों के जरिए से हमारे और आपके माल की भी हिफाजत करता। कभी ऐसा होता है कि बाप की नेकी बेटे के काम आती है, कभी ऐसा होता है कि दादा की नेकी आइंदा जो आगे नस्ल है उस नस्ल को काम आती है, हो सकता है दादा को कुछ ना फायदा पहुंचा,
लेकिन अगर नेकी किया है उसने तो उस नेकी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया की जिंदगी के अंदर नेकी करने वाले को और उसकी आइंदा नस्ल को भी फायदा पहुंचाएगा। इस आयत करीमा के अंदर उसकी तफसीर में बाद साहबे किराम ने इस बात को जिक्र फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को बयान करना चाहता है कि नेकी करने के जरिए से औलाद को और औलाद की औलाद को, पोतों को और नवासों को भी कभी कभी फायदा पहुंचता। और उसकी एक मिसाल सूरे कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद जिक्र फरमाया, हजरत मूसा और खजर अलैहिस्सलाम का वाकया, लंबा वाकया, उस तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया कि वह अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति वकान तहतहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك। حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ گئے, اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تھی, تو ایک بستی میں پہنچے شام کے وقت, تو بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ کوئی اجنبی مسافر اگر کہیں آ جائے اور شام کو پریشان حال ہو, اس کے ٹھہرنے کا کھانے کا انتظام نہ ہو, تو اس کا بندوبست کیا جائے। इन लोगों ने बड़ी बेमुरुवती का सबूत दिया। लेकिन आगे जब गए तो बस्ती के अंदर एक दीवार थी, वो दीवार बिल्कुल गिरने के करीब थी। हजरत खजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि अपने हाथ के इशारे से इस दीवार को सही कर दो। हजरत खजर अलैहिस्सलाम ने हाथ का इशारा किया, उस दीवार को पकड़ा और वो दीवार सीधी हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुए, कहा कि इन बस्ती के लोगों ने मेहमान नवाजी तक नहीं की, पानी तक नहीं पूछा और आपने इनकी दीवार को दुरुस्त कर दिया। गिर जाना चाहिए, गिरने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इनके साथ कोई नेकी करने के लायक नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वाकये को बयान किया कि हजरत खजर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को क्यों दुरुस्त किया था और अल्लाह ने यह हुक्म क्यों दिया था। कहा कि वह अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति वकान तहतहु कंजुल लहुमा। कहा ये जो दीवार थी, ये जो दो यतीम बच्चों की दीवार थी, उनका घर था, घर की दीवार थी। वकान तहतहु कंजुल लहुमा, और उस दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ था। वकान अबूहुमा सालिहा, इन दोनों यतीम बच्चों का बाप बड़ा नेक था। उसने सोचा कि दीवार के नीचे अपने बच्चों के लिए कोई खजाना छुपा दूं और जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उस खजाने से फायदा उठाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे नाबालिग रहे, दीवार गिर जाए तो कोई आदमी खजाना लेकर के चला जाए। तो उसी बीच में जब ये दीवार टेढ़ी हो गई तो उस नेक बाप के नेकी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां हजरत खजर अलैहिस्सलाम को भेज दिया, कहा आप जाइए उस दीवार को सीधी कर दीजिए। तो इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभी नेकियों को हमारे नजात का, हमारी औलाद की नजात का, माल और खजाने की हिफाजत का जरिया बना देता है। कभी आपको बचाने के लिए कोई ऐसा अजनबी आदमी आ जाता है जिसको आप पहचानते नहीं, आप जानते नहीं है, आप उससे वाकिफ नहीं है, लेकिन वो आपके साथ मुश्किल हालात में खड़ा हो जाता है। आप सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों आया, वो अल्लाह का फरिश्तादा होता है, भेजा हुआ होता है, जो आपकी नेकी की वजह से आपके पास आता। तो हजरत खजर अलैहिस्सलाम ने उसको सही कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वह काना अबूहुमा सालिहा, बाप बड़ा नेक था, तो अल्लाह ने क्या चाहा उस नेकी की वजह से, फअरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्दहुमा, अल्लाह ने चाहा कि ये दोनों यतीम बच्चे बालिग हो जाएं, और बालिग होने के बाद, बड़े होने के बाद, वयस्तखरिजा कंजहुमा, इस खजाने को निकाले, रहमतन मिन रब्बी, की अल्लाह की रहमत आ गई। तो अगर वो दीवार बीच में गिर जाती तो गिरने के बाद वो खजाना बाहर निकल जाता, लोगों को पता चल जाता कि इसके बाप ने इसमें खजाना छुपा रखा है, तो कोई लूटने वाला लूट लेता, कोई जालिम उस पर कब्जा कर लेता, कोई उसे हड़प लेता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत खजर अलैहिस्सलाम को भेज करके उन दो यतीम बच्चों की मदद इसलिए की कि उनका बाप नेक था। तो नेकी बहुत बड़ी चीज है।
हमारी और आपकी जिंदगी में ये बहुत कीमती चीज है, हमारे भी काम आने वाली है, माल के भी काम आने वाली है, औलाद के भी काम आने वाली है और हमारी आइंदा नस्लों के भी काम आने वाली। और यही सिर्फ नहीं, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का तस्करा फरमाया है कि इन्नल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुजला, कि वो लोग जो ईमान लाए और जो नेकियां करते हैं जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका मेजबान होगा और ये लोग जन्नत में अल्लाह के मेहमान होंगे। अल्लाह हमारा और आपका नेकी करने वालों का कयामत के दिन मेजबान होगा। ये पूरी जिंदगी, पूरा कारखाना हयात जो चल रहा है वो सिर्फ इसीलिए जारी और सारी है कि ये दुनिया जब खत्म हो जाएगी, आखिरत में हिसाब व किताब होगा, तो वही नेकियां हमारे और आपकी जिंदगी के सामने होंगी और वहां जो कुछ भी हमें और आपको मिलने वाला है, अच्छा इनाम, अच्छा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जन्नत की शक्ल में और जन्नत के उन खूबसूरत महलों की शक्ल में, हसीन इनाम की शक्ल में, वो नेकियों की वजह से हमें और आपको वहां हासिल होने वाला। तो मामला ऐसा हो जाएगा कि एक मोमिन बंदा जो ईमान की हालत में नेकियां लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होगा तो वो अल्लाह का मेहमान होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेजबान होगा। फरिश्ते उसकी खिदमत में होंगे, विल्दानुम मुखल्लदून उसके खिदमत में होंगे, बच्चों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी खिदमत में जन्नत के अंदर कांसा लेकर के, जाम लेकर के, अनवा और अकसाम के खाने लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन लगा देगा। तो ये नेकी हमारे और आपके लिए दुनिया और आखिरत में भी काम आने वाली, दुनिया के साथ हमारी और आपकी आखिरत की जिंदगी भी बढ़ाने वाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमें और आपको ऐसा मेहमान बना करके पेश करने वाली है कि उस मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजारह साल पहले से इंतजाम कर रखा है, उस जन्नत को सजा रखा है, संवार रखा है और वह हमारा और आपका इंतजार कर रही। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जाबजा तस्करा फरमाया कि एक मोमिन बंदे को चाहिए कि वो ईमान के साथ अमले सालेह की जिंदगी गुजारे, वो अपने ईमान के दरख्त को अमले सालेह के जरिए से सींचे, पानी दे ताकि वो ताजा रहे। अगर आप नेकी नहीं करेंगे तो आपके ईमान का ये दरख्त ताजा नहीं रह सकता है, हरा भरा नहीं रह सकता है, ये तनावर और फलदार नहीं हो सकता है। ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون। का जो लोग ईमान के साथ अमल सालेह करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की जिंदगी को खुशगवार और सआदतमंद बना देगा, चैन की जिंदगी बना देगा, इत्मीनान और अमन सुकून की जिंदगी बना देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दुनिया की जिंदगी में उसे ईमान की बरकतें और ईमान की सआदतें हासिल होंगी कि उसकी जिंदगी में राहत ही राहत होगी। तो ये खुशगवार जिंदगी, टेंशन फ्री जिंदगी, मुश्किलात और मसाइब से दूर और परे जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी बुनियाद है कि हम और आप ईमान के साथ नेकियों की जिंदगी गुजारें, तकवा की जिंदगी गुजारें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लिल्लाहियत की जिंदगी गुजारें और जो भी वक्त हमें और आपको अपनी उम्र में से मैसर है उसे हम और आप नेकियों के अंदर सर्फ करें। जैसे हम दुनिया की जिंदगी का हिसाब लगाते हैं वैसे अपनी नेकियों का भी हिसाब लगाएं कि हमने कल क्या नेकियां की हैं, क्या कमी रह गई है और आइंदा का हमारा क्या शेड्यूल है। हमारा स्कूल जाने का शेड्यूल है, हॉस्पिटल जाने का शेड्यूल है, डॉक्टर के पास जाने का शेड्यूल है, जॉब करने का शेड्यूल है, ऑफिस खोलने का शेड्यूल है, उसी के साथ साथ नेकियां करने का भी शेड्यूल होना चाहिए। आज क्या नेकियां करनी है, क्या वक्त हमारे पास बच रहा है उसमें हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खैर का काम और भलाई का काम कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ईमान के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने और अमल सालेह करने की सआदत और तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो भी नेकियां की हैं टूटी फूटी फूटी, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसे कबूल फरमा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसे शरफ़े कबूलियत से अपनी बारगाह में जगह अता फरमा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे इस दुनिया के अंदर जो गुनाह सरजद हो रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसे माफ फरमा दे। बार इलाहा हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे जान की हिफाजत फरमा, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों की हिफाजत फरमा। बार इलाहा दुनिया के कोने में जहां भी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, परेशान हाल है, मजलूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी नुसरत व इआनत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो लोग परेशान हाल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनको परेशानियों से नजात अता फरमा। बार इलाहा जो मुसलमान भाई बीमार है उन्हें शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। बार इलाहा हरमैन शरीफैन को साजिश करने वालों की साजिशों से महफूज फरमा। बार इलाहा हमें शिर्क से महफूज फरमा दे, कुफर से महफूज फरमा दे, शैतान के वसवसों से महफूज फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर बुराइयों से, बुरे कामों से और बुरे लोगों की सोहबतों से महफूज फरमा दे। बार इलाहा हमें छोटी मोटी नेकियां करने के साथ साथ बड़ी बड़ी इबादतें करने की भी सआदत और तौफीक अता फरमा। हमारी नेकियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहे ईमान के ऊपर कायम और दायम फरमा। खात्मा हो तो इसी ईमान पर, इसी नेकी पर, इसी तकवा पर। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खात्मा बिल खैर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर रहीम।